अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर। आप देख रहे हैं यासिर भाई का टॉप सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ कि कार्बोरेटर को जो फ्लश करना हो, अगर उसके अंदर जो पेट्रोल है वो अगर निकालना हो सारा, ताकि अंदर जो कचरा वगैरह कोई अगर आ जाए उसको निकालने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे। आसान सा टॉपिक है तो शुरू करते हैं। दोस्तों कार्बोरेटर के नीचे ये एक स्क्रू लगा होता है, ये वाला। ये स्क्रू आप खोलेंगे ना तो ये जो रेदर वायर है इसका, कार्बोरेटर का ये वाला, इसके अंदर पेट्रोल होता है लिमिटेड सा, वो जितना भी होगा वो सारा एक दफ़ा निकल जाएगा। बाज़ अवकात क्या होता है, वो कचरा आ जाता है, कचरा आने की सूरत में आपकी जो कार्बोरेटर है वो पेट्रोल ओवर करने लग जाएगा या आपकी बाइक जो है मिसिंग स्टार्ट कर देगी। तो ऐसी सूरत में अगर ये मसाइल आएँ तो सबसे पहले आप कार्बोरेटर अपना फ्लश करें, ये स्क्रू खोलें आप इसको फुल, तो इसके अंदर जितना भी पेट्रोल होगा वो निकल जाएगा बाहर ना। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। ये मैं स्क्रू खोलने लगा हूँ। ये मैं स्क्रू खोल दिया है, देखें आप ये पेट्रोल बीच में से निकल रहा है, ये स्क्रू है। पेट्रोल जितना भी है इसमें निकल जाएगा, प्लस जो कचरा है अंदर ना वो भी इससे निकल जाएगा। तो बाज़ अवकात क्या होता है कि बाइक मिसिंग करने लग जाती है, कोई ज़र्रा आ जाता है बीच में, फंस जाता है कहीं पे। इसके अंदर बारीक से जेट होते हैं, उनमें बारीक से सुराख होते हैं, या फ्लोट वाल की तरफ कहीं वो जाके फंस जाता है, तो ऐसी सूरत में बाइक का पेट्रोल ओवर होने लग जाता है। तो इन दोनों सूरतों में सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ये स्क्रू आप खोलें और जो इसको फ्लश कर दें। इसके अंदर जितना है रेदर वायर पेट्रोल वो निकल आएगा, कचरा वगैरह भी है तो वो निकल जाएगा। उसके बाद आप ये स्क्रू लगाएं, इसको अच्छी तरह टाइट करें और आप पेट्रोल ऑन करें, देखें उम्मीद है मसला आपका हल हो जाएगा। ये करने से पहले आपने ऊपर से पेट्रोल बंद कर लेना है, अगर बंद नहीं करेंगे तो टैंकी के जो पेट्रोल है वो निकलता चला जाएगा। अभी मैं ये स्क्रू वापस अपनी जगह पर लगा देता हूँ। ये लग गए स्क्रू अपनी जगह पे। आपने इसे लगाने के बाद पेट्रोल ऑन करके चेक करना है कि इसमें से कोई निकल तो नहीं रहा पेट्रोल वगैरह। अगर पेट्रोल वगैरह निकल रहा है तो उसको अच्छी तरह टाइट करने की ज़रूरत है। तो इसमें से कोई नहीं पेट्रोल वगैरह निकल रहा, तो ये जनाब हमारा फ्लश हो चुका है कार्बोरेटर। छोटा सा टॉपिक था, तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर दें, हौसला अफजाई होती है और तो कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ अच्छी लगती है बताएं, बुरी लगती है बताएं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।